नमस्कार, डेली न्यूज 360.com की ओर से पेश है त्रिपुरा की बड़ी खबर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। भाजपा ने 28 पृष्ठ के विजन डॉक्यूमेंट में वादों की झड़ी लगा दी है, जिसमें हर परिवार को रोजगार, महिलाओं को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी को घर, बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा, सभी को शुद्ध पीने का पानी, युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा किया है। इसके अलावा भाजपा ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 340 रुपये रोजाना करने का वादा किया है। भाजपा ने कहा है कि चिट फंड के कारोबार की जांच की जाएगी और अनुबंध पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए अरुण जेटली ने मानिक सरकार पर हमला बोला। जेटली ने कहा कि मानिक सरकार इतने दिनों से यहाँ है लेकिन राज्य में विकास नहीं हुआ है। जेटली ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इतने वर्ष सरकार में रहने के बाद भी आज वहाँ कहीं दूसरे स्थान पर भी नहीं है, लेफ्ट की ताकत समाप्त हो चुकी है, उन्हें त्रिपुरा में बड़ा झटका लगेगा। जेटली ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। त्रिपुरा में 18 फरवरी को मतदान होने हैं और 3 मार्च को वोटों की गिनती होगी। धन्यवाद।